हाय दोस्तों, मैं हूं सिराज। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सिराज टेक सॉल्यूशन में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले द जॉय ऑफ कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन का वीक 5 का प्रोग्रामिंग असाइनमेंट थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 3, सेमी प्राइम। ए सेमी प्राइम नंबर इज एन इंटीजर व्हिच कैन एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट प्राइम। सेमी प्राइम नंबर एक इंटीजर है जो कैसे एक्सप्रेस होगा, दो डिस्टिंक्ट नंबर का प्रोडक्ट का हिसाब से एक्सप्रेस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 15 हुआ तो 3 × 5, ये दो डिस्टिंक्ट नंबर है तो ये सेमी प्राइम है। अगर 9 को हम लोग बोलेंगे तो 9 नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 × 3 दोनों सेम नंबर है तो ये सेमी प्राइम नहीं है। गिवन इंटीजर नंबर एन, फाइंड वेदर इट कैन बी एज अ सम ऑफ टू सेमी प्राइम और नॉट। एक इंटीजर नंबर देना होगा और फाइंड करना होगा टू सेमी प्राइम नंबर का सम है कि नहीं, चेक करेगा। इनपुट एन इनपुट होगा और यहाँ पे आउटपुट फॉर्मेट क्या होगा, एन का रिस्पेक्ट में जो एन इनपुट होगा वो हम सेमी प्राइम है या नहीं वो शो करेगा। तो येस एंड नो स्टेटमेंट शो करेगा। तो इनपुट है 30, तो 30 सेमी प्राइम, तो आउटपुट आया येस। एन इक्वल टू 30 कैन बी एक्सप्रेस 15 + 15, वायर 15 इज सेमी प्राइम ऑफ 3 × 5। ये सम फंक्शन किया पहले, फिर दो डिस्टिंक्ट नंबर का प्रोडक्ट। एक नोट में दिया हुआ है एन इज लेस देन इक्वल टू 200, मतलब सेमी प्राइम कहाँ तक, लेस देन इक्वल टू 200 तक जितना सारा सेमी प्राइम नंबर है वो सारा सेमी प्राइम नंबर का अंदर में हम लोग अगर क्या 200 का अंदर में हम लोग इनपुट लेंगे तो बता देगा कि वो सेमी प्राइम नंबर है या नहीं। तो यहाँ पे जो लिस्ट हम लोग लेने वाले हैं वो लिस्ट हम कमेंट सेक्शन में दे देंगे कि लिस्ट में सेमी प्राइम नंबर कौन कौन, मतलब कौन सा नंबर सेमी प्राइम है वो सब नंबर। ये पहले हम यहाँ पे ले लिए, बहुत बड़ा लिस्ट है, ये आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है लिखने में, तो फिर भी हम दिखा दे रहे हैं और ये हम कमेंट सेक्शन में भी दे देंगे। ये 42, इसका बाद धीरे धीरे देखिए ये सारा हम एकदम 200 तक जो सेमी प्राइम नंबर है सारा का लिस्ट बनाया है। ये लिस्ट हम कमेंट सेक्शन में आप लोगों को दे देंगे, वही सब लोग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो लिस्ट क्रिएट करके अगर हम लोग इसको करेंगे तो बहुत छोटा बन जाएगा प्रोग्राम। तो लिस्ट हम लोग पहले ले लिए 200 तक, जो जितना सारा भी सेमी प्राइम नंबर है वो इस लिस्ट में है। उसका बाद हम लोग नंबर इनपुट लेंगे, एन इक्वल टू इंट, इंटीजर टाइप का नंबर इनपुट होगा, इनपुट लेगा उसका बाद तो चेक करेगा ना कि वो नंबर सेमी प्राइम है या नहीं। तो इनपुट होगा एन, देन क्या करेंगे हम लोग, इफ अगर एन इन लिस्ट, एन अगर लिस्ट में रहा तो क्या होगा, सेमी प्राइम है तो प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट पैरेंथेसिस ओपन सिंगल कोटेशन में हम लोग लिख देंगे यस, कॉमा देके एंड इक्वल टू डबल कोटेशन ओपन क्लोज देन पैरेंथेसिस क्लोज देन एल्स केस में हम लोग दे देंगे। अगर लिस्ट में नहीं रहा तो क्या होगा, लिस्ट में तो हम लोग डिफाइन कर दिए 200 तक जितना सारा सेमी प्राइम नंबर है, अगर लिस्ट में है तो वो सेमी प्राइम है, अगर नहीं है तो नो। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, नो लिखेंगे एल्स केस में नो, देन कॉमा दे के एंड इक्वल टू डबल कोटेशन ओपन क्लोज देन पैरेंथिसिस क्लोज। ये करने के बाद हम लोग को क्या करना होगा, सबमिट एंड कॉम्पाइलर रन पे क्लिक करना होगा। कॉम्पाइलर रन पे क्लिक करके हम लोग चेक कर लेंगे कि टेस्ट केसेस पास हुआ है कि नहीं। देखिए 3x3 टेस्ट केसेस पासेस, सारा टेस्ट केस पास कर चुका है। तो ये जो लिस्ट हम क्रिएट किए हैं 200 तक सेमी प्राइम, ये लिस्ट हम कमेंट सेक्शन में दे देंगे, वहीं से आप लोग लेके कॉपी करके ये प्रोग्राम लिखिएगा। उसका बाद आप लोगों को इनपुट लेना है, देन चेक करना है अगर लिस्ट में है तो सेमी प्राइम है, नहीं है तो नहीं है, नो एल्स केस में वो डाले है। तो ध्यान से देख के टाइप कीजिएगा क्योंकि पाइथन में ज़्यादातर इंडेंटेशन का गलती होता है। तो टाइप करने के बाद कंपाइल एंड रन पे क्लिक करके देख लीजिएगा कि टेस्ट केसेस पास किया है कि नहीं। इसका बाद आप लोगों को सबमिट पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को क्या दिखाई देगा कि प्राइवेट टेस्ट केसेस भी पास किया है कि नहीं, प्राइवेट टेस्ट केसेस भी पास कर गया। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।